भागलपुर बाथ थाना क्षेत्र के आभा रतनपुर के गहरा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से एक 28 वर्षीय युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां आभा रतनपुर गांव के मनोज दास का 28 वर्षीय बड़ा पुत्र करण कुमार बताया जा रहा है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि बिना बताए शाम में घर से निकला, फिर वापस नहीं आया। फोन लगाने पर फोन रिसीव नहीं हुआ। बहुत खोजबीन किया गया पर पता नहीं चल पाया। अहले सुबह ग्रामीणों द्वारा रतनपुर गहरा पुल के समीप एक युवक का शव होने की सूचना मिलने पर शव का पहचान हुआ, जबकि शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस द्वारा मृतक के पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक कुमार दास है। कहाँ घर हुआ? आभा रतनपुर। क्या घटना घटी आपके साथ? सर मेरा भाई है, करण कुमार इसका नाम है जी। जी क्या? क्योंकि सर 4:30 के लगभग ये घर से गायब था और बोल के किसी को नहीं गया था। उसके बाद सर कुछ देर के बाद पता लगा कि भाई नहीं आया। इसकी वाइफ बोली कि पानी लाने के लिए बोले थे, बोला मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं, जरा फ़ोन करके देखो कहाँ है। तो फ़ोन इसको किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उस टाइम से खोजना शुरू किया हम लोग, तो रात में सर इधर उधर फ़ोन फान किए, उसके बाद पता नहीं लगा। इसको फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहा था, तब हम अपने रिलेशन में फ़ोन किए, सारी जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद सर सुबह 6:30 के बाद कुछ लोग ने ऐसे शोर शराबा किया तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। कहाँ पहुँचे? गहरा नदी पुल के पास रोड किनारे रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मेरा भाई रखा हुआ था। क्या किया है उसके साथ? उसके साथ सर हत्या किया गया है। क्या चीज़ से? सर ऐसा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई लोग बोलता है गोली से मारा है, किसी ने कहता है हथियार से मारा है। क्या लगा आपको? हमको तो सर ऐसा लग रहा है किसी हथियार से भी मारा है, गोली से भी मारा है, दोनों से। क्योंकि सर पहला जो यहाँ पर लगा हुआ है ये तो लगता है सर गहरा जख्म है, उसके बाद कुछ यहाँ पर लगा है हल्का जख्म है, पीछे लगा है थोड़ा ज्यादा जख्म है। कौन मारा है? कुछ आप कौन मारा है सर ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, दोनों जगह जो रह रहे हैं तो वहाँ पर किसी से कोई तरह का विवाद भी हुआ? कोई दिक्कत ना लो जी, कहीं से ना कोई विवाद तो ना भैयारी मान आरो के गांव में सुना मैं यहां में सगरे मतलब पता होता लगल के कोई पता नहीं मिले ना। हमरा ससुरा भैसुरा दी और असने सासु से अम्मा से सबना मिली खोजलिए कहीं टेर पता नहीं। तो कैसे पता लगा आज सुबह? सुबह हमको हमरा ने जे बाबू मालूम मतलब कि कोई दूसरे आदमी कल के कि एक अगर आना दीदी करना कर जे वो ना देखला छी कि मतलब के मई पोल अतर मारी।